हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील जी खान, आयशा कोचिंग क्लासेस से। फ्रेंड्स, आज का जो लैंग्वेज स्टडी है उसमें हम लोग देखेंगे डूएस डायरेक्टेड में कॉपी द सेंटेंसेस करेंटली। फ्रेंड्स, कॉपी द सेंटेंस करेंटली में आपको जो सेंटेंस दिए गए उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, अच्छे से, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जितने भी जैसे भी सेंटेंस दिया है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है। बहुत इजी है, आपको इसके इंशाल्लाह 2 मार्क्स मिल जाएंगे, टास्क पर 2 मार्क्स। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। हाउ इज दैट, सेड नथु, गेट अप, सेड द टीचर, व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, सो देयर आर यू, क्राइड मिस्टर भूषण। तो ये 4 सेंटेंस है, इसको एज इट इज कॉपी कीजिए। ओके, सेकेंड है, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मराठी, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस। तो जो लेटर पहले स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल उसको लिखो आप। ये बहुत इजी है कि गुड, गोल्ड, ग्लोबल। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए है फ्रेंड्स। थर्ड है, पंचुएट द फॉलोइंग। ही आस्क मी व्हाट इज माई फॉल्ट, शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। तो आपको कॉमा, डबल कोट यूज करके, आपको फुल स्टॉप यूज करके उसको पंचुएट करना है। फोर्थ का है, मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। आपको अल्फाबेटिकल में से 3 लेटर चुनना है और 3 लेटर में से आपको 4 वर्ड्स बनाना है। ओके, मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। आपका भी ए एल अल्फाबेटिकल जितने भी दिए आपको उसमें से 3 3 वर्ड्स निकाल के 4 वर्ड्स बनाना है। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ वन देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेंट लेटर्स। आपको इसमें जो मिसिंग वर्ड है वो लिखना है और कंप्लीट करना है। HODACMAN-O FADH-R-SIS-ER। ओके, सिक्स वन देखिए, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। आपको इसमें से स्पॉट करना है एरर और फिर से दोबारा लिखना है सेंटेंस को। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेर फ्लाइंग ओवर हेड। ये 2 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से आप रेक्टिफाई कीजिए कोई क्या इसमें मिस्टेक है, और फिर दोबारा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया, ट्री दिया गया, ट्री के तरफ से जो भी वर्ड्स है उसे लिखिए आप। 8 में, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव एट 4 वर्ड। आपको एक वर्ड चेन कंप्लीट करना है एडजेक्टिव का और 4 वर्ड ऐड करना है इसमें ग्राउंड का। डूएस डायरेक्टिव में देखिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। आपको गिव अ फ्रेज यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और सेकेंड में, पिक द रूट वर्ड्स एंड यूज एनी वन ऑफ इट्स योर ओल्ड सेंटेंस। डिस्करेज जो ग्रेटनेस का रूट वर्ड निकालना है, जैसे कि डिस्करेज का रूट वर्ड करेज है और ग्रेटनेस का रूट वर्ड ग्रेट है। ये 2 वर्ड का यूज करके आपको अपने सेंटेंस में लिखना है। और लास्ट में, एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली। आपको आई डोंट नो दैट वॉट ऐसा पूरा कंप्लीट करना है, आपको क्लॉज ऐड करके पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। होप गाइस, आप इसका सोल्यूशन लिख रहे हो, और जहाँ भी डाउट है मुझे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसके आंसर्स क्या क्या हो गए फ्रेंड्स। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन सोल्यूशन करने से पहले आपको इसका कमेंट में आंसर लिखना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से, और जो मिस्टेक करोगे आप इंशाल्लाह मैं उसे दुरुस्त करूँगा। एंड गाइस, प्लीज़ जिस किसी ने हमारा चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब ना किया होगा गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।